हेलो गीक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं आई गीक्स व्लॉग हिंदी। एंड आज इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। इसके बारे में क्या ये मैकबुक मेरी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है ना, लोग बाग फोन्स को बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ हैंड, बट मैं मैकबुक को बोलूंगा एक्सटेंशन ऑफ फिंगर्स। आई डोंट नो इफ इट मेक्स सेंस और नॉट, बट इट इज व्हाट इट इज। तो आज इसके बारे में बात करूंगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा, एंड यू नो सो दैट यू कैन यूज इट लाइक अ प्रो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मैकबुक टिप्स एंड ट्रिक्स, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। Before I get started with any of the podrick, I would really appreciate if you would subscribe to the channel and also press the bell icon so that हमारे future videos की notification आप कभी भी miss ना करें। Also, अगर आप Apple centric content को prefer करते हैं तो I would also recommend you to follow us on Instagram handle IGB_Hindi। नीचे description में link मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके MacBook के बारे में। तो देखो, ये जितने भी tips and tricks है ना, इनको apply करने से पहले I would recommend you कि आप एक बार macOS को update कर लीजिए to लेटेस्ट macOS Big Sur। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं टिप नंबर वन के बारे में। बट उससे पहले एक और चीज छोटी सी, मेक श्योर कि आपका मैकबुक अपडेटेड है। एंड ये जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, ऐसा हो सकता है कि कुछ टिप्स इनमें से काम ना करें अगर आपका मैकबुक अपडेटेड नहीं। अगर आप मैकबुक अपडेट करना चाहते हैं तो होम स्क्रीन पर सबसे पहले एप्पल मेन्यू पर क्लिक कीजिए, उसके बाद क्लिक कीजिए सिस्टम प्रेफरेंसेस पर, सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक कीजिए एंड लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए। ये क्यों किया अपन ने, जिससे जितने भी सिक्योरिटी अपडेट जो एप्पल लॉन्च करता है, रिलीज करता है मैकबुक के लिए, वो हम इंस्टॉल कर पाए, जितने भी लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फीचर्स है ना, हम उन सभी को एक साथ यूज कर पाए। ठीक है, अब ये सब हो गया, बात कर लेते हैं टिप नंबर वन के बारे में। तो हम सभी को पता है अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो कन्वर्जन्स का कितना ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एंड अगर आप उस प्रोफेशन में हैं या फिर आपको किसी भी रीजन की वजह से यू नो करेंसी कन्वर्जन वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है, तो मैकबुक में इनबिल्ट बहुत अच्छी टिप आपके लिए है जो शायद आप यूज नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले स्पॉटलाइट सर्च को ओपन कीजिए। स्पॉटलाइट को ओपन करने के लिए कमांड और स्पेस बार को एक साथ दबाइए। जिस भी अमाउंट को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं जिस भी करेंसी में, उसको वो मेंशन कीजिए एंड विदाउट इवन प्रेसिंग एंटर आपका अमाउंट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। सी, इतना इजी है, काम का की गूगल पे चक्कर काट। इतना तो हम सभी को पता है कि मैकबुक पर स्क्रीनशॉट्स कैसे लेते हैं, ठीक है, बट ये जो मेथड है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है एंड थोड़ा सा यूनिक है। कैसे, लेट्स सी। अगर आपको मैकबुक पर फुल स्क्रीन स्क्रीनशॉट लेना है तो एक साथ कमांड शिफ्ट प्लस 3 दबाइए, बट अगर आपको कस्टम डायमेंशन में स्क्रीनशॉट लेना है तो कमांड शिफ्ट एंड 4 को दबाइए। उसके बाद आपके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आप कर्सर की हेल्प से स्क्रीनशॉट की डायमेंशंस को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन जैसे ही आप रिलीज करेंगे स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। बट अगर आप जो कस्टम डायमेंशंस में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ना, आप उसके लिए सिलेक्शन कर चुके हैं, बाद में आपको याद आया कि आपको उसमें चेंजेस करने हैं, तो आप वो चेंजेस भी ईजिली कर सकते हैं। सिंपली कमांड शिफ्ट एंड 4 को दबाइए कस्टम डायमेंशन स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए एंड देन कर्सर की हेल्प से डिजायर्ड एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए। अब बिना कर्सर को लिफ्ट किए ऑप्शन दबाइए एंड कर्सर को मूव कीजिए। आप नोटिस करेंगे कि आपका डिजायर्ड सिलेक्शन एक प्रोपोर्शन में, एक रेशियो में मूव करेगा। इसके अलावा अगर आप स्पेस दबाकर कर्सर मूव करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपका एंटायर सिलेक्शन मूव करेगा। एंड ऑल्सो अगर आप शिफ्ट दबाकर कर्सर मूव करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपका डिजायर्ड सिलेक्शन एक डायरेक्शन में मूव करेगा। उसके अलावा अगर आपको किसी स्पेसिफिक विंडो का स्क्रीनशॉट लेना है तो कमांड शिफ्ट एंड 4 दबाइए, उसके बाद स्पेस बार की हेल्प से विंडो को सेलेक्ट कर लीजिए एंड जैसे ही आप डिजायर्ड विंडो पर क्लिक करेंगे आपका स्क्रीनशॉट सिर्फ उस विंडो का क्लिक हो जाएगा। स्क्रीनशॉट्स लेना तो हम सभी को आता है, बट कुछ अलग तरीके से स्क्रीनशॉट लेना, ये थोड़ा सा नया था, है ना। आई एम श्योर यू माइट बी एबल टू रिलेट, जहां पर हमारे डेस्कटॉप पर बहुत सारे विंडोज ओपन होते हैं एंड हमारा मैकबुक का डेस्कटॉप बहुत ज्यादा क्लटरी हो जाता है। काफी बार ऐसा भी होता है कि हमें एक साथ दो विंडोज पर काम करना है, यू नो लाइक यहाँ से कट करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है दूसरे एप्लीकेशन में, तो वो चीज भी आप बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हैं। किसी भी विंडो के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर जाइए एंड लेट कर्सर सिट ऑन जूम बटन विदाउट क्लिकिंग ऑन इट। आप नोटिस करेंगे आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे। आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उस विंडो को लेफ्ट में रख सकते हैं या फिर राइट में रख सकते हैं बाय यूजिंग दीज ऑप्शंस।
एंड जैसे ही आप किसी भी विंडो को लेफ्ट या फिर राइट में पुट करेंगे, आप नोटिस करेंगे आपके डेस्कटॉप के बाकी सभी विंडोज अपोजिट साइड पर अपीयर हो जाएंगे। एंड दैट्स हाउ यू कैन स्प्लिट स्क्रीन ऑन macOS। बट ये ट्रिक ना यहाँ पर एंड नहीं होती है, एक और चीज अभी रहती है। सबसे पहले सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाइए, उसके बाद क्लिक कीजिए ट्रैक पैड पर एंड एक्टिवेट कर दीजिए स्वाइप बिटवीन फुल स्क्रीन एप्स पर। इसको एक्टिवेट करने के बाद आप मल्टीपल स्प्लिट स्क्रीन विंडोज को ओपन कर लीजिए एंड देन जस्ट बाय स्वाइपिंग फोर फिंगर्स ऑन ट्रैक पैड लेफ्ट और राइट आप नेविगेट कर सकते हैं इन सभी स्प्लिट स्क्रीन विंडोज के बीच में। ये टिप को आप तब यूज कर सकते हैं अगर आपके किसी फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर को मैकबुक ट्रबल शूट करना है एंड आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस में हैं, बट यू नो यू कैन हेल्प देम। सो आप स्क्रीन शेयरिंग की हेल्प से उनके मैकबुक को ट्रबल शूट कर सकते हैं इवन इफ यू आर एट अ डिस्टेंस। सबसे पहले स्पॉटलाइट सर्च को ओपन कीजिए एंड सर्च फॉर स्क्रीन शेयरिंग, उसके बाद उनका एप्पल आईडी एंटर कीजिए एंड क्लिक कर दीजिए कनेक्ट पर। रिसीवर डिवाइस पर सभी कनेक्शंस को अलाउ कर दीजिए। अब होस्ट मैकबुक पर आपके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन कीजिए एंड सभी परमिशंस को अलाउ कर दीजिए एंड दैट्स इट। दैट्स हाउ यू कैन शेयर देयर स्क्रीन और इवन कंट्रोल देयर मैकबुक इवन इफ यू आर एट अ डिस्टेंस। सो नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो दिस, बट आप मैकबुक की हेल्प से आईफोन पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो हम आईफोन पर भी कर सकते हैं, तो जो मैकबुक की हेल्प से स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी ना वो बहुत ज़्यादा बेटर क्वालिटी में रिकॉर्ड होगी। एंड कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं ना जो आपके जो यूज़र हैं उनको अलर्ट कर देते हैं कि आप उनकी चैट का या तो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या फिर उन्होंने जो भी आपको स्नैप वगैरह भेजी है आप उसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। आप इस मेथड की हेल्प से उन पर स्पाई कर सकते हैं, उनको पता नहीं चलता। डोंट टेल पुलिस, ये मैंने आपको बताया। सबसे पहले केबल की हेल्प से आपके आईफोन या फिर आईपैड को आपके मैकबुक से कनेक्ट कर लीजिए एंड स्पॉटलाइट सर्च को ओपन कर लीजिए। उसके बाद सर्च फॉर क्विक टेक एंड देन मेन्यू बार में फाइल पर टैप कीजिए, सेलेक्ट कीजिए न्यू मूवी रिकॉर्डिंग। अब इस विंडो पर डाउन एरो पर क्लिक कीजिए एंड सेलेक्ट कर लीजिए आपका आईफोन या फिर आपका आईपैड। उसके बाद क्लिक कर दीजिए रिकॉर्ड बटन पर एंड दैट्स इट। अब आप जो भी एक्टिविटी आपके आईफोन पर या फिर आईपैड पर करेंगे वो आपके मैकबुक में रिकॉर्ड एज अ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हम सभी इकोसिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं ना, तो इकोसिस्टम का एक पार्ट ये भी है कि आप आपके एप्पल डिवाइसेस की हेल्प से आपके दूसरे एप्पल डिवाइसेस को अनलॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप आपके एप्पल वॉच की हेल्प से मैकबुक को भी अनलॉक कर सकते हैं एंड आईफोन को भी अनलॉक कर सकते हैं। ये इकोसिस्टम का एक पार्ट है। एंड बाय द वे, अगर आप इकोसिस्टम के बारे में और काफ़ी सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगी या तो यहाँ या फिर यहाँ कहीं पे आ रहा होगा। आई बटन पे आप टैप करके उस वीडियो को देख सकते हैं एंड उसके बारे में भी व्यूज मुझे दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बट इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, पहले ये देख लो फिर वो देख लो। तो कहने का मतलब ये है, जस्ट आप Apple Watch की हेल्प से आपके MacBook को भी अनलॉक कर सकते हैं जैसे ही आप उसके रेंज में आएंगे। एक बार देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले मेक श्योर कर लीजिए कि आपका MacBook और आपका Apple Watch सेम Apple ID पर साइन इन हो रखे हैं एंड वो Apple ID टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज कर रही है। एंड देन लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आपके Apple Watch पर पासकोड इनेबल्ड है। उसके बाद आपके MacBook पर Apple मेन्यू पर जाइए, सिस्टम प्रेफरेंसेस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद सेलेक्ट कीजिए सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, उसके बाद क्लिक कर दीजिए इन फ्रंट ऑफ यूज योर एप्पल वॉच टू अनलॉक एप्स एंड योर मैक। उसके बाद जैसे ही आप आपका एप्पल वॉच पहनने के बाद मैकबुक के रेंज में आएंगे ना, आपका मैकबुक ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत डोप लगता है देखना। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है एंड आई एम श्योर आपके साथ भी होता होगा कि हमारे होम स्क्रीन पर बहुत सारा फाइल्स एंड डेटा पड़ा हुआ है एंड भाई नहीं है हमारे पास टाइम कि हम उनको ऑर्गेनाइज करें या फिर प्रॉपरली फोल्डर बनाकर करें। तो डोंट वरी, यहाँ पर स्टैक्स यूज करेंगे एंड हमारी लाइफ को ईजी बनाएंगे एंड होम स्क्रीन को प्रेजेंटेबल बनाएंगे। होम स्क्रीन पर जाएंगे एंड किसी एम्प्टी एरिया पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे यूज स्टैक्स पर। सी, आपके सारे फाइल्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। अगर आप टाइम के साथ साथ नोटिस कर रहे हैं कि आपका मैकबुक स्लो हो चुका है तो ये ट्रिक आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। सबसे पहले फाइंडर विंडो को ओपन कीजिए एंड प्रेस कीजिए कमांड शिफ्ट एंड जी को, उसके बाद सर्च बॉक्स में ये क्वेरी को एंटर कीजिए। डोंट वरी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हो जाएगा, आप वहां से कॉपी एंड पेस्ट आपके मैकबुक में कर सकते हैं एंड क्लिक कर दीजिए गो पर।
गो पर क्लिक करने के बाद आपके मैकबुक का कैशे फोल्डर ओपन हो जाएगा एंड जितनी भी फाइल्स यू नो आपके मैकबुक को स्लो कर रही थी टाइम के साथ साथ वो सभी ओपन हो जाएंगी। आप उन सभी को सेलेक्ट एक साथ कर सकते हैं बाय प्रेसिंग कमांड ए एंड देन डिलीट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग कमांड एंड डिलीट एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू डिलीट देम फ्रॉम बिन एज वेल। काफी बार ऐसा होता है कि फाइंडर की ही बहुत सारी विंडोज हमारे डेस्कटॉप पर ओपन होती हैं एंड काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है एक फाइंडर विंडो से दूसरे फाइंडर विंडो में डेटा को ट्रांसफर करना, बट इसको भी आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके होम स्क्रीन पर मोर देन वन फाइंडर विंडो ओपन होगी तो सिंपली क्लिक कीजिए मेन्यू बार में विंडोज पर एंड सेलेक्ट कर लीजिए मर्ज ऑल विंडोज को। इंस्टेंटली यू विल नोटिस आपके सभी फाइंडर विंडोज एक विंडो में मर्ज हो चुकी हैं एंड आप इजीली टैब्स की हेल्प से उसको ब्राउज कर सकते हैं। हाँ, मानते हैं मैकबुक बहुत अच्छा डिवाइस है, बट कभी कभी क्या होता है किसी एप्लीकेशन में बग की वजह से वो एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती एंड हमें लगता है हमारे मैकबुक का फॉल्ट है। ऐसा नहीं है, आप उस एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं बाय यूजिंग द शॉर्टकट दैट आई एम अबाउट टू शेयर एंड आपका मैकबुक विल बी बैक टू नॉर्मल। प्रेस कीजिए कमांड ऑप्शन एंड एस्केप को एक साथ एंड देन उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए जो रिस्पॉन्ड प्रॉपरली नहीं कर रही है एंड क्लिक कर दीजिए फोर्स क्विट पर। उसके बाद एक और बार टैप कर दीजिए फोर्स क्विट पर टू कंफर्म एंड दैट्स हाउ यू कैन फोर्स क्विट एनी एप्लीकेशन दैट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑन योर मैकबुक। इफ आई हैव टू डिस्क्राइब माई एक्सपीरियंस ना, तो हॉट कॉर्नर्स की वजह से मेरा मैकबुक एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा एनहांस हुआ है। बट हॉट कॉर्नर्स होता क्या है? आपके स्क्रीन पर चार कॉर्नर्स होते हैं, राइट? अब आप कर्सर को जैसे ही किसी भी एक कॉर्नर पर लेकर जाएंगे तो आपका एक फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा एंड ये बहुत ज्यादा टाइम सेविंग होता है। इसको कैसे एक्टिवेट करते हैं एंड यूज करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले सिस्टम प्रेफरेंसेस पर जाइए एंड सेलेक्ट कीजिए मिशन कंट्रोल को। उसके बाद बॉटम लेफ्ट में हॉट कॉर्नर्स पर क्लिक कीजिए एंड जिस भी कॉर्नर पर आप फंक्शन को असाइन करना चाहते हैं उसके सामने गिवन ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कीजिए। आप डिजायर्ड फीचर को क्लिक कीजिए एंड ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके कर्सर को उस कॉर्नर में लेकर जाइए। सी दैट्स हाउ इजी एंड यूजफुल इट इज। आप हॉट कॉर्नर्स की मदद से बहुत सारे फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं, डिस्प्ले को स्लीपर पुट कर सकते हैं, मिशन कंट्रोल ओपन कर सकते हैं, लॉन्च पैड ओपन कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये जो ट्रिक है ना, ये सफारी पर मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करती है क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ वर्क फ्लो सफारी पर ही रहता है एंड यू नो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है अगर मैं 1000 words में से किसी एक लाइन को स्पेसिफिकली ढूंढना चाह रहा हूँ। एंड कभी ना कभी आपके साथ भी ये होता होगा एंड आई एम श्योर ये ट्रिक आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। सफारी में वेब पेज पर आने के बाद कमांड एंड एफ को प्रेस कीजिए एंड आपकी क्वेरी को या फिर जिस वर्ड को आप एग्जैक्टली सर्च करना चाहते हैं उसको एंटर कीजिए एंड विदाउट इवन प्रेसिंग एंटर उस वेब पेज पर एंटर्ड क्वेरी अपने आप हाईलाइट हो जाएगी। तो ये थे कुछ टिप्स जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करने चाहिए जो कि आपका यू नो मैकबुक या फिर आईमैक का जो एक्सपीरियंस है उसको एनहांस कर सकते हैं। एंड आई थॉट ये टिप्स ना, ये कुछ टाइम तो जरूर ले सकते हैं यू नो हाथ पर एक बार सेट होने में, पर जैसे ही आपके हाथ पर सेट हो जाएंगे आपको इनकी आदत हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, आपका टाइम सेव कर सकते हैं एंड यू नो वो फीचर्स आपको दे सकते हैं जो आपको पता भी नहीं था कि कभी मैकबुक में होते भी हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आई होप ये वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया हो। अगर हाँ तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन एज वेल सो दैट हमारे जो फ्यूचर वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं यश आपसे अलविदा लेता हूँ, बट अलविदा लेने से पहले मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको एप्पल सेंट्रिक कंटेंट पसंद है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए IGB_hindi, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब ठीक है, अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।